प्रदेश की पहली डबल डेकर ट्रेन पहुंची इंदौर, प्लेटफार्म पर टकराया शेड, अधिकारियों का दावा सफल रहा ट्रायल रन, लोगों में भी ट्रेन को लेकर दिखा उत्साह। मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना पर राव रहा बंद, कांग्रेस ने किया था राव बंद का आह्वान, ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखा असर, आरोपी का पुलिस ने किया स्केच जारी। इकोनॉमी पावर बनने के लिए बढ़ानी होगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, कहा बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला ने स्किल्ड लेबर की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कही बात। ट्रक ने मारी साइकिल सवार विकलांग को टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। वहीं एक अन्य मामले में युवक की आंख की चपेट में आने से गई जान। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन द्वारा मीनेश जी की जयंती के अवसर पर समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मल्हारगंज क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो चली है, इसी कड़ी में शनिवार को पार्षद पति कमलेश खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता ली और क्षेत्र के सत्ताधारी नेताओं पर कई आरोप लगाए। द्वारकापुरी क्षेत्र में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाकर 80,000 रुपये नकद व आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। बाणगंगा क्षेत्र स्थित एक मकान में शुक्रवार रात आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग को काबू में तो कर लिया, मगर आग की चपेट में आने से घर में सो रहे एक युवक की मौत हो गई। अन्नपूर्णा रोड स्थित हजरत गेबशाह वली सरकार की दरगाह पर चल रहे उर्स में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शुक्रवार रात 65वें उर्स के मौके पर हिंदू और मुस्लिम लोगों ने एकता की मिसाल पेश करते हुए मिलकर चादर चढ़ाई। अहिल्या महिला कल्याण मंच एवं माउली न्यास की मेजबानी में नगर निगम के सहयोग से परदेशीपुरा स्थित माँ कनकेश्वरी धाम सुगनी देवी कॉलेज परिसर में 14 से 18 अप्रैल तक शाम 6:30 बजे से महानाट्य अहिल्या बाई का मंचन होगा। नगीन नगर निवासी दुर्गापति अनिल की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल आपस में खेलते खेलते परिवार के ही दो बच्चों में पिछले दिनों विवाद हो गया था। सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल फिडे ओपन रेटिंग चेस स्पर्धा का शुभारंभ खेल प्रशाल में हुआ। ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन, कासलीवाल चेस एकेडमी और जे पब्लिक स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्पर्धा में 134 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्विस पद्धति से खेली जा रही ये स्पर्धा 10 चक्रों में खेली जाएगी, जिसमें 2,00,000 रुपए की इनामी राशि दांव पर है। गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की समस्या सामने आने लगी है। शहर के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। स्कीम नंबर 71 के सेक्टर बी में पिछले कुछ दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा। नगर निगम का वर्ष 2013 और 14 का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। निगम का बजट इस साल भी गांधी होगी, ये तर्क अपनी ओर से एसोसिएशन ने एडीएम को दिए हैं। उसके बाद एडीएम ने इस बात को गंभीरता से लिया और जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध करवाने की बात कही है। ये सुविधाएं जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगी, आरटीओ वहां पर कार्रवाई करने के बाद जो बसेस हैं वहां पर खड़ी करवाई जाएंगी, इस तरह की बात मेट।